ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिला रेड सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल मिला हमको पुट बाय करने का यानी सेल करने का। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल। जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है दोस्तों, रेड सिग्नल आने के बाद आपने एंट्री बनाई पुट में, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका तगड़ा प्रॉफिट। आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल आपको मिले, देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। अब आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि ये कितना तगड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे, आप खुद देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि कितना तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ पे था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपने एंट्री बनाई कितने पे, 17,932 पे आपने एंट्री बनाई। इसके बाद प्रॉफिट कितना मिला यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पर जो आपने कैप्चर किए पॉइंट, यहाँ पे 17,780। तो ये दोस्तों एक्सपायरी का मूव है, वन वे मूव आपको यहाँ पे मिला है। जब तक आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, तब तक आपको अपनी पुट की एंट्री को क्लोज नहीं करना है। देखिए ना यहाँ पे, आप खुद देखिए कितना तगड़ा है यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना तगड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है कहीं? आप छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकलते हो या फिर बड़ा लॉस देके निकलते हो, लेकिन बड़ा प्रॉफिट लेना सीखो। बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे तो यहाँ पे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। आज छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकलोगे, कल बड़े बड़े लॉस देके जाओगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एंट्री बताऊंगा कि कब यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यानी एसएल कहाँ पे लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जिट कब करना है। ये तीन चीजें आपको कोई नहीं बताता जल्दी से कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एसएल लगाना है, कब आपको एग्जिट करना है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसी इंडिकेटर की मदद से। दोस्तों इंडिकेटर को ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि आपने इंडिकेटर देख लिया और यहाँ पे आप भाग जाओ। दोस्तों इंडिकेटर के रूल्स भी है कुछ, इसकी सेटिंग भी है, वो भी आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लॉस खाओगे, लॉस खाओगे, प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों टाइम लगता है हर चीज में, बस एक वीडियो ये वाली देख लीजिए, इस वीडियो से आपके ड्रीम, आपके सपने, अगर आप लॉस खाकर थक चुके हैं, इतना लॉस हो चुका है कि दलदल में फंसे ही जा रहे हैं, तो दोस्तों इस लॉस को कवर करिए, इस लॉस को कवर करिए बहुत ही कम पैसों से। एक्सपायरी पे आइए, एक्सपायरी पे आप आइए, एक्सपायरी पे आप ऐसे मूव पकड़िए, देखो दोस्तों आपके पैसे 5 से 10 गुना अगर आपने ये वाला मूव सही पकड़ लिया तो एक्सपायरी पे आपके पैसे भी कम लगेंगे, आपके लॉस होने के चांस भी कम रहेंगे इस इंडिकेटर की मदद से। और इसका रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स भी फॉलो करना है, मार्केट को भी देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, तब जाकर आप यहाँ पे अपनी एंट्री, अपना एसएल और एग्जिट कर पाएंगे और प्रॉफिट ले पाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं इन सबको यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव, और फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सही तरीके से कि कैसे यहाँ पे आपका तगड़ा प्रॉफिट बनता है। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे आपको सिग्नल कौन सा मिला, यहाँ पे सिग्नल मिला आपका रेड सिग्नल पुट बाई करने का, यहाँ तक का प्रॉफिट आपको निकलना तभी है जब यहाँ पे अगर आपने पुट बाई किया है रेड सिग्नल पे, तो आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल पे निकलना है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला और यहाँ पे रेड सिग्नल पे आपको निकल जाना है, तगड़े तगड़े प्रॉफिट है दोस्तों। एक्सपायरी पे मूव को पकड़िए, यहाँ पे रेड सिग्नल मिला और इसके बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल पे आपको निकल जाना है। देखो प्रॉफिट देखो ना आप, एक्सपायरी पे अगर इतने पॉइंट अगर आपको मिलते हैं ना, 50, 100, 150 पॉइंट मिलते हैं, तो आपके पैसे डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, आप काउंट नहीं कर पाओगे अपने पैसों को, इतने पैसे बनेंगे आपके यहाँ पे। छोटे पैसे लगाओगे बड़े पैसे बनेंगे यहाँ पे, 1,000 के 5,000, 5,000 के 25,000, ऐसे पैसे बनते हैं यहाँ पे एक्सपायरी पे। अब ये देखो 3 PM वाली कैंडल देखो कितनी खतरनाक बनी यहाँ पे, ये 3 PM वाली एक्सपायरी मूव है, 3 PM पे कैंडल बनी है। देखो गाइस 3 PM पे ये वाली कैंडल बनी, 3 PM पे आप यहाँ पे टाइम भी देख लीजिए, ये रहा टाइम 3 PM, 3 PM पे कैंडल बनी, सिग्नल मिला, आपने ट्रेड लिया सीधा यहाँ पे। जो है मैंने दोस्तों ये ट्रेड पकड़ा था क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 3.5 रुपए में पकड़ा था, 3.5 से इसने 20 रुपए का हाई लगाया, और 20 रुपए पे हाई लगाया, मैं 19 पे एग्जिट हो पाया, फिर भी मेरे पैसे देखो कितने, 3.5 से 19 रुपए, लगभग 5 गुना मेरे यहाँ पे पैसे हो गए। बट मैंने यहाँ पे जो है ज्यादा पैसे नहीं लगाए थे क्योंकि एक्सपायरी है ना, तो थोड़े कम पैसे लगाओ। अगर नेगेटिव भी जाता है दोस्तों तो उसमें आपको गम नहीं होगा ज्यादा, कम पैसे लगाओ और बड़ा प्रॉफिट लो। ज्यादा पैसे लगाओगे तो ज्यादा लॉस भी हो सकता है, बट कम पैसे में अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो पहले आप वो चीज करिए। तो दोस्तों ये है वो इंडिकेटर,
पूरा बताऊंगा आपको। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बैक जाके दिखाता हूँ पूरा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, बैक जाऊंगा और बैक में आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर का पूरा बताऊंगा, कितने टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है, कौन सी सेटिंग करनी है, कब कब यहाँ पे आपको ट्रेल मिलेगा, कब कब ये आपका एसएल भी खाएगा। दोस्तों एसएल भी खाता है, ऐसा नहीं कि एसएल आपका नहीं खाएगा, लेकिन एसएल को बचाना कैसे ये बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपका एसएल हिट ना हो, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो, एसएल नहीं टारगेट। तो हमें क्या चाहिए, टारगेट चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे खुद खुद देख लीजिए आप, बड़े बड़े मुंह मिलते हैं यहाँ पे आपको दोस्तों। इस सेटअप का यूज मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम दो टाइम करना है, बीच में नहीं फंसना है आपको। जैसे 12 1 बजे का 2 बजे का टाइम हो रहा है, 12 1 से 1.5 बजे तक का टाइम हो रहा है, और वहां पे आप दोस्तों एक रेंज में फंस जाओगे, यहाँ पे लोगे फिर इतना सा प्रॉफिट, यहाँ पे लोगे फिर इतना सा प्रॉफिट। तो इस रेंज में आपको फंसना ही नहीं है, इस रेंज में अगर आप फंसोगे ना, देखो ये रेंज है, इस रेंज में आपको फंसना ही क्यों है, यहाँ पे देखो ये यहाँ टाइम बिता रहा है, तो यहाँ फंसना ही क्यों है आपको, यहाँ पे लेना ही नहीं है ना आपको। आप मॉर्निंग में आओ, मॉर्निंग में जो ट्रेड मिलेगा ना आपको, मॉर्निंग में क्या होता है, एक बार जो सेटअप बंद, मॉर्निंग में जो एक बार वन साइड मूव मिलता है ना वो पकड़ना है आपको, और इवनिंग में जब रिवर्सल आता है वो आपको पकड़ना है। तो दो ही ट्रेड आपको लेने हैं, अगर एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हो चुका है तो दूसरा ट्रेड लो ही मत, और दूसरा ट्रेड अगर आपको लेना भी है तो दोस्तों आप क्या करिए, आप प्रॉफिट के पैसे में से जो प्रॉफिट आपको हो गया ना उसमें से जो भी पैसा आप लगाना चाहते हैं, 10% 20%, उससे ज्यादा पैसे मत लगाना, उससे ज्यादा पैसे मत लगाना। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उतना ही पैसा 10% लगाओ, इतना आपका रिस्क होना चाहिए, 20% रिस्क होना चाहिए, वो भी प्रॉफिट के पैसे में से। वरना मैं तो कहूंगा कि आप एक ट्रेड लो, एक ट्रेड आपको बड़ा पकड़ो, ठीक है, सुबह बैल ले लो और अपना वेट करो, जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आता, जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आता तब तक वेट करते रहो। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल, यहीं पे थोड़ा सा मार्केट पॉज किया तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का डे है तो प्रीमियम डीके तो आपका होना ही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वन वे मूव मिलता है ना, बड़ा मूव मिलता है, तब तक आप वेट करिए, चाहे वो 1 बजे तक जा रहा हो मूव, 1 बजे तक, जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा तब तक लेते रहो। आपके पैसे देखो यहाँ पे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना आसानी से यहाँ पे बनते रहेंगे एक्सपायरी पे। तो ये बहुत तगड़ा यहाँ पे ये इंडिकेटर है, इसकी बस सेटिंग जो है ना वो मेन है, सेटिंग को समझ लेना, सेटिंग को नहीं समझा फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार सेटिंग को समझ लेना, फिर उसके रूल्स को, ठीक है, सब बताऊंगा एक एक करके। चलिए अब वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मैं इतना आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, पहली बार जब मैंने बनाई थी ना तो मेरी इसमें वॉइस ही नहीं आई यहाँ पे, अब तो मैंने फिर दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इतनी मेहनत मेरी इसमें, दो बार मेरी इसमें मेहनत लग चुकी है। जब 2 बार मेहनत लगी है तो प्लीज एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, आप एक लाइक तो कर ही दीजिए, 2 लाइक मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, तो एक लाइक आप कर दीजिए यहाँ पे, एक लाइक जरूरी है यहाँ पे, तो फटाफट से लाइक कर दो, ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब यहाँ पे हम आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग बताएंगे, इंडिकेटर कौन सा है वो बताएंगे, कैसे इसका यूज करना है, कब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री कहाँ पे बनी, एंट्री आपकी इस रेड सिग्नल पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे आपकी क्या बनी है, एंट्री, एंट्री आपकी यहाँ पे बन गई है। अब आपका एसएल कहाँ पे रहेगा, देखिए एसएल आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनाई या यहाँ बनाई या यहाँ बनाई, क्योंकि ये कैंडल पे ही आपको एंट्री बनाना है। जब ये कैंडल आपको सिग्नल देगी तो हो सकता है आपने एंट्री यहीं बना ली, हो सकता है आपने बीच में बनाई, हो सकता है आपने नीचे बनाई, हो सकता है आपने नेक्स्ट कैंडल पे बनाई। अगर आपने इस कैंडल पे बनाई है ना तब भी आपको बोलूंगा कि आप अपने एसएल जो है ना, तो यहाँ पे आपको जो लास्ट हाई है ना, क्योंकि आप पुट ले रहे हैं ना, तो आपको हाई पे एसएल लगाना है, ताकि अगर उससे ऊपर निकले मार्केट तो हमारा एसएल ही हिट हो, हमारा यहाँ पे ज्यादा लॉस ना हो। तो एसएल आपका देखो कितना छोटा है, यहाँ पे एसएल कितना छोटा है, एंट्री आपकी यहाँ बनी और एसएल इतना छोटा सा, ये इतना छोटा सा यहाँ पे एसएल है, देखिए यहाँ पे इतना छोटा सा एसएल आपका बना। तो इस कैंडल पे आपने यहाँ पे जो इसका हाई है उस हाई को मार्क कर लीजिए, उस हाई पे आप देख लीजिए आपका एसएल कितने का बन रहा है। आप चाहें तो इसके जो प्रीवियस कैंडल है ना यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, वो ये भी एक हाई बढ़िया बना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपना एसएल लगा सकते हैं, यानी कि इस रेंज में आपको अपना एसएल लगाना है। लेकिन ध्यान रहे जो कैंडल पे आप ट्रेड लेना ना उस कैंडल का आप यहाँ पे एसएल मत लगाना, ठीक है, उसके जो प्रीवियस कैंडल है ना उसके हाई का आपको एसएल लगाना है। तो एसएल आपका बन गया यहाँ पे, एसएल बन गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एसएल बन गया, ठीक है, ये एंट्री हो गई है, ये एसएल हो गया। एग्जिट कहाँ पे करना है, एग्जिट आपको करना है यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन सिग्नल मिल जाए यहाँ पे अपनी पोजिशन को आपको क्लोज करके एग्जिट हो जाना है। लेकिन तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है जब तक कि यहाँ पे ये सिग्नल जो है रेड से ग्रीन में ना हो जाए, क्योंकि आपने रेड पे एंट्री लिया पुट की, तो आपको ग्रीन पे यहाँ पे एग्जिट होना है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना आप। और एक चीज और देख लीजिए आप, चलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, एक कॉपी पेन पे देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये लाइन जो बन रही है ना दोस्तों, ये लाइन,
ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन को ध्यान से देखिए, ये लाइन पता कौन सी लाइन है दोस्तों, यही लाइन आपको बताएगी कि मार्केट में रिवर्सल आएगा या मार्केट आपके जो आपका जो प्रॉफिट है उसको वापस लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस लाइन जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाए, देखो यहां तक आपने प्रॉफिट बुक, यहां तक आपका प्रॉफिट हुआ, अब आपको अपने एसएल को क्या करना है, अपने एसएल को शिफ्ट कर देना है ऑन कोस्ट, यहाँ पे शिफ्ट कर देना। अपना एसएल कहाँ पे ले आएंगे, यहां से ले आएंगे आप, यहां से ले आएंगे यहाँ पे ऑन कोस्ट, जब यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज कर दे, जब यहाँ पे घूमने लग जाए, तब अपने एसएल को ऑन कोस्ट ले आएंगे, यानी कि यहाँ पे आप अपने ऑन कोस्ट एसएल को ले आए। इसके बाद मतलब आपको जो अपना एसएल है ना उसको ट्रेलिंग करता रहना है। अब मार्केट गिरता रहा, ठीक है, जब मार्केट यहाँ इस साइड में यहाँ पे बिल्कुल लो पे आ गया, तब आपको क्या करना है, तब आपको एसएल लगा देना है इस लो का, जो प्रीवियस लो बनता रहेगा ना वहां तक आपको अपना एसएल फिट कर देना है, ताकि आपको लॉस ना हो। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो मार्केट अगर एकदम से कोई कैंडल आ भी जाती है ना, ऑपरेटर कैंडल भी बहुत तेजी से आती है, जैसे मान लो कोई एक ही कैंडल बड़ी तगड़ी आ गई, आपका यहाँ पे एसएल भी खा गई और आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी निकल गया जो आपने यहाँ तक लिया था। तो इसलिए इस कैंडल से आपको बचने के लिए क्या करना है, आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, जो भी प्रीवियस लो बनता जाएगा वहां पे अपने एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे आया, जैसे यहां से निकल के यहाँ पे आया, तो अब आपको यहाँ पे अपना एसएल शिफ्ट कर देना है, अपना एसएल यहाँ शिफ्ट कर देना है। अब यहाँ शिफ्ट किया, इसके बाद आप खुद देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिला और यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, बस इतना सा आपको काम करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है और आपका प्रॉफिट आपके पास, फिर आपका प्रॉफिट आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। ये चीज आप करते रहिए, देखो इंडिकेटर के बारे में सब कुछ बताएगा लेकिन कोई भी स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कैसे करते हैं वो नहीं बताएगा। यहाँ लो बना, फिर यहाँ लो बना, फिर यहाँ लो बना, ये चीज आपको मेन जरूरी है। देखो यहाँ लो बना और फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, इस लो पे तो एग्जिट आपको कर ही देना है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आपको दी थी ग्रीन वाला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एसएल अपना शिफ्ट करते जाना है, यहाँ से आपने एसएल लेके आए, यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ से एसएल ट्रेलिंग करके फिर यहाँ पे आपने एसएल लगा दिया, फिर यहाँ से ट्रेल करके यहाँ लगा दिया। अब ये प्रॉफिट तो आपका रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट आपका रहेगा, आपका प्रॉफिट कोई छीन ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई गलती से कोई एक कैंडल आ गई तगड़ी वाली, ऑपरेटर कैंडल आ गई, कैसी भी कैंडल आ गई, मार्केट में कोई न्यूज आ गई, एक कैंडल तगड़ी बन गई, सीधा यहाँ पे आपका देखो एसएल हिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट भी निकल जाएगा आपकी आंखों के सामने, इतना गुस्सा आएगा। मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहो, जितना ट्रेलिंग करोगे ना उतना बड़ा प्रॉफिट आपके सामने होता जाएगा। अब मान लीजिए कैंडल यहाँ पे नहीं आई, देखिए यहाँ पे कैंडल नहीं आई, यहाँ पे कैंडल आई नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपकी कैंडल जो है वो आई नहीं, अब ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया, मान लीजिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता और मार्केट और नीचे जाता, और नीचे जाता मार्केट, तो यहाँ पे आपको क्या होता, मार्केट और नीचे गिरता, तो यहाँ पे आप अपना यहाँ एसएल लगा देते, फिर यहाँ पे आप ग्रीन सिग्नल मिलता तो यहाँ पे एग्जिट करते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट आपको और मिलता। तो यही करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करना है, ठीक है। अब ये तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इंडिकेटर की चार्ट कितने मिनट में ओपन करना है और क्या इसके रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। ये चीज आपने कर ली, समझ लीजिए फिर आपका जो लॉस हुआ है ना आज तक वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, और आप बिगनर्स हैं तो आप प्रॉफिट करके जाएंगे, हमेशा प्रॉफिट करके जाएंगे। और ये जो लाइन है ना, यही आपका जो है, जैसे ही ये लाइन के ऊपर निकलेगा ना दोस्तों, जैसी कोई भी कैंडल इस लाइन के ऊपर निकलेगी, जैसी कोई भी कैंडल, जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल है, ये इसके ऊपर निकलती ना, तो ये ग्रीन सिग्नल जो आपको यहाँ मिला है ना वो यहीं मिल जाता, क्यों, लाइन के ऊपर निकलेगा ना तब ये ग्रीन सिग्नल बना देती है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये देखो लाइन बनी, रेड लाइन से यहाँ पे ग्रीन लाइन हो गई, क्यों, क्योंकि ये रेड लाइन को क्रॉस कर गई, देखो यहाँ क्रॉस कर गई, क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, जैसे यहाँ क्लोज हुई तो ये सिग्नल आपको मिल गया, यहाँ पे आपको बोल रहा है एग्जिट हो जाओ भाई, बराबर से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि देखो यहाँ तक गया मार्केट, अब इतना प्रॉफिट आपका मिल रहा था, तो इतना प्रॉफिट यहाँ पे अगर आपने एग्जिट कर दिया तो यहीं पे आपका जो पूरा प्रॉफिट आप लेके गए, और ये जो है यहाँ पे अगर आपको कम प्रॉफिट होने वाला था तो उससे आप बच गए। तो यही तरीका है स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करने का, ठीक है, ये लाइन का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइन काम आती है, बिगिनर्स हैं तो इस लाइन को जरूर लगा लेना, इसको रिमूव कैसे करना लाइन को ये भी बताऊंगा। चलिए अब इंडिकेटर में चलते हैं और वहां पे आपको बताते हैं कि इसकी क्या सेटिंग करनी है। पहले आप रूल को समझ लीजिए, देखो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या है, देखो मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड का है ना, और इंडिकेटर भी आपको अपसाइड का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, तब आप यहाँ पे बाय करेंगे सीई, तब आप यहाँ पे सीई बाय करेंगे यानी कॉल बाय करेंगे। मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव है, बियरिश है, तब यहाँ पे आप पुट बाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको इंडिकेटर भी आपको पुट बाई करने के लिए सिग्नल दे रहा है। तो ये चीज आपको करना है, मतलब कंफर्मेशन चाहिए आपको, ट्रेंड के साथ इंडिकेटर का कंफर्मेशन आपको चाहिए, दोनों मैच होते हैं तब आपका यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा, तब यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए कॉल में या पुट में, जो भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर बोलता है और जो भी मार्केट का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए। तो ट्रेंड आपको देखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे
आपको एसएल भी लगाना है, ठीक है, एसएल जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूरी है। मार्केट कई बार आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा, लेकिन अगर आपने सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप मार्केट जो है आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको? स्टॉप लॉस लगाना है रेजिस्टेंस पे, या तो प्रीवियस जो उसका हाई बना है पुट बाई करते वक्त, तब आपको एसएल लगाना है। अगर आप कॉल ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे सपोर्ट पे अपना एसएल लगाना है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। थर्ड है यहाँ पे सही टाइम पे एग्जिट, जैसे ही सिग्नल मिले आपको आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। और स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहना साथ में। देखो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करोगे ना तभी यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, वरना फिर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी एक कैंडल भी आती है तगड़ी कैंडल तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को समझ लिया? चलिए ये तो हो गया पूरा, यहाँ पे इसके रूल्स हो गए, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि हम इस इंडिकेटर को कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी सेटिंग क्या करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चले जाना है इंडिकेटर्स में। जिस भी ब्रोकर का आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं, जिसमें भी ट्रेड करते हैं, उसके इंडिकेटर सेक्शन में चले जाना है। पहले मैं यहाँ पे देखो हटा देता हूँ इसको, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, फिर से लगाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा था, दो बार लग गया वो, तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे लिख देना, सुपर लिखती सुपर ट्रेंड आ जाएगा। ओके यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड आ गया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, अब इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए दोस्तों यहीं पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपके जो ब्रोकर है उसका उसकी सेटिंग का ऑप्शन कहीं और हो सकता है, तो आप उसको ढूंढ लेना। तो सेटिंग में जाना, इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में आपने आपको जो है इसकी लेंथ को 10 होगी, यहाँ पे लेंथ 10 होगी, इसको आपको कर देना 21, इसको आपको 21 कर देना है, ओके। और जो फैक्टर है ना आपका, इसको कर देना 1। अब ये चीजें आपके यहाँ पे कुछ और हो सकती है, बस आपको इसको चीज को ध्यान रखना है, ये जो नंबर है ना 21 और 1, बस यही आपको चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल में जाना है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टाइल की सेटिंग भी चेंज। देखो ये सुपर ट्रेंड वाला जो ये चेकबॉक्स है, इसको मैं डीसेलेक्ट करूंगा ना, देखो अनचेक करूंगा, तो यहाँ पे देखो लाइन हट गई। आप बिगिनर्स हो तो इस लाइन को लगा लेना, क्योंकि इस लाइन से ही आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट बियरिश होता जा रहा है या मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो लाइन जब ग्रीन हो जाएगी, अगर आपने पुट बाई किया तो आप उसमें एग्जिट कर दीजिए, बट ये लाइन को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, तो यही लाइन आपको यहाँ पे आपका जो है ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी। जैसे रिवर्सल आएगा तो ये लाइन जो है ना ग्रीन हो जाएगी, तो आपको निकल जाना है, ठीक है, अपने पुट की एंट्री से निकल जाना है। और कॉल में अगर आपने एंट्री बना रखी है तो ये लाइन यहाँ पे जो है ग्रीन से जैसे ही रेड होगी तो आपको एग्जिट कर जाना है, तो ये लाइन आपको बता देगी, जैसी लाइन बताएगी आपको निकल जाना है, आपका प्रॉफिट आपके पास, यानी कि प्रॉफिट कोई छीन ही नहीं पाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहना साथ साथ में, बस इतना सा काम करना है, कुछ भी ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। आपको इनपुट में जाके बस यही सेटिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करनी है, बाकी और कुछ आपको छेड़ना ही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ओके कर देना है, बस ये सेटिंग आपकी हो जाएगी। देखो ये सेटिंग के बिना आप इस इंडिकेटर का यूज मत करना, फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। देखिए कॉल, अगर आपको कॉल बाय करना है ना, तो देखो कॉल में भी आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। यहाँ पे आपने कॉल बाय किया, यहाँ देखिए यहाँ पे आपने कॉल बाय किया, इस सिग्नल पे स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा? ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस आपके छोटे रहेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे। मार्केट गया, जैसे सिग्नल मिला यहाँ पे एग्जिट, कॉल में बाय, कॉल में प्रॉफिट, फिर मार्केट नीचे आया यहाँ पे सिग्नल से, यहाँ पे आपने लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे ऐसे बड़ा प्रॉफिट। ऐसे कर करके दोस्तों आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए, छोटे मोटे ट्रेड लेना चाहते हैं। बड़े ट्रेड लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में पकड़िए और एक इवनिंग में पकड़िए, जब तक मार्केट का रिवर्सल नहीं आता तब तक अपनी पोजीशन में बने रहिए, तब तक आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड आपको सिग्नल नहीं देता। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में इसको देखो, 5 मिनट का मैं बताना भूल गया था, अब आपको बता देता हूँ, 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे, आप इसको 5 से 15 मिनट के चार्ट में इसका जो है सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट और 15 मिनट, दो चार्ट में आप यहाँ पे, दो ड्यूरेशन में आप इस चार्ट का ओपन करके यहाँ पे अपनी एंट्री को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी और वीडियो चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा।